हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल पॉइंट। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चीन से हुई। चीन के वुहान के हुआनान शहर से हुई थी। और चीन से याद रखिएगा कि चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग है। और बीजिंग का पुराना नाम क्या है, तो पिकिंग है, याद रखिएगा। वही बात की जाए चीन के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा सी जिनपिंग जी हैं प्रेसिडेंट अभी। और चीन की जो करेंसी है वो क्या है, तो युआन है करेंसी। और चाइना का एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के आधार पर 4th रैंक है। वही बात की जाए पॉपुलेशन के आधार पर तो कौन सा रैंक है, 1st रैंक है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है और क्षेत्रफल के आधार पर 4th स्थान है। और बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की। फ्रांस की राजधानी क्या होती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पेरिस होती है। वहीं जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। और इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा यह सभी। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए सांप, चमगादड़, समुद्री जीव, इन सभी चीज़ों को जिम्मेदार माना जा रहा है। और ये सब चीज़ कहाँ से, मतलब क्यों माना जा रहा है, क्योंकि जो चीन का जो वुहान शहर है, वहाँ के हुआनान में जो वहाँ का सी फूड मार्केट है, वहाँ पर ये सभी चीज़ मिलते हैं खाने के लिए। और इन्हीं से माना जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किसे इस संक्रमण का कारण बताया है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुसार माना जाए तो जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पेंगुलिन को WHO ने कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पेंगुलिन फ्रेंड्स देखिए कैसा दिखता है, तो ये देख सकते हैं आप, पेंगुलिन इस टाइप से दिखते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना क्या है? तो याद रखिएगा कोरोना क्या है, तो एक RNA वायरस है। कैसा वायरस है, तो RNA वायरस है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है उसका जो शेप है यानी कि आकृति, उसी के कारण उसका नाम कोरोना पड़ा। उसका शेप कैसा है, तो क्राउन है। क्राउन यानी क्या होता है, मुकुट के समान है। किसके समान, तो मुकुट के समान दिखा जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा, तो इसी कारण इसका नाम क्राउन से कोरोना वायरस रख दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप से इस पर जो निकले हुए हैं ये मुकुट के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस रखा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा WHO द्वारा कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दिया गया है। नाम इसका COVID-19 का क्या है, तो याद रखिएगा कोरोना वायरस डिसीज 2019। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको COVID-19 का पूरा नाम क्या है। वहीं फ्रेंड्स यदि WHO की बात करें, तो WHO की का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। और जो WHO के अभी हेड कौन है, तो टेड्रोस एधानोम जी हैं WHO के हेड हैं अभी। और WHO क्या देखता है, तो यह स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को देखता है। चलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्वसन तंत्र पर कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इन पर कोरोना वायरस का सीधा अटैक होता है। अब
फिगर से समझ सकते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब आपको हम पीडीएफ देंगे। और पीडीएफ कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, उससे ज्वाइन हो जाना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज भारत के किस राज्य में पहली बार पाया गया? तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज जो था सबसे पहले कहाँ पाया गया, तो केरल राज्य में पाया गया, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केरल में सबसे पहली बार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज पाया गया था। वहीं केरल की बात की जाए तो केरल की जो राजधानी है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन जी हैं। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी हैं, आरिफ मोहम्मद जी हैं। और फ्रेंड्स, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरल में ही स्थित है, और मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है, और जो वेम्बनाड झील है सबसे लंबी झील है वो कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को भारत का कौन सा राज्य महामारी घोषित किया, यानी कि एपिडेमिक कौन सा राज्य घोषित किया सबसे पहले कोरोना वायरस को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसे महामारी घोषित किया है। वहीं बात की जाए कि विश्व में किसने घोषित किया है महामारी, तो WHO ने घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा से जान लेते हैं, तो हरियाणा के CM कौन है अभी, तो याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर जी हैं CM, और गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं वहाँ के गवर्नर। और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और वहीं जो रानी रामपाल हैं उनको अभी फिलहाल में हॉकी के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और उनका संबंध भी कहाँ से है, तो हरियाणा से है। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको पता चल गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 को किस संगठन ने महामारी घोषित किया? तो अभी फ्रेंड्स हमने बताया कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित किया, एपिडेमिक घोषित किया है। WHO की बात कर चुके हैं पीछे ही, इसलिए यहाँ पर ADB की बात करते हैं। ADB क्या है, ADB का हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में स्थित है, मनीला फिलीपींस में। वहीं यूनिसेफ की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो यूनाइटेड स्टेट में है। वहीं यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है किसका, यूनाइटेड नेशन का। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अपीलीय जनता कर्फ्यू को किस तारीख को लाया गया? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा जनता कर्फ्यू, तो इसको फ्रेंड्स किस तारीख को लाया गया, तो 22 मार्च को लाया गया। किस तारीख को, 22 मार्च को लाया गया, याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन को इमरजेंसी फंड $1 मिलियन COVID-19 के लिए दिया है, यानी कि जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है इसने किस संगठन को इमरजेंसी फंड के रूप में $1 मिलियन फंडिंग किया है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सार्क को। और सार्क यानी क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो चलते हैं अगले स्लाइड में और जानते हैं सार्क के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देख सकते हैं आप यहाँ से। और इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं, याद रखिएगा 8 देश सदस्य हैं, जिसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। और फ्रेंड्स सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 से सुरक्षा के लिए किन दो सामग्रियों को आवश्यक सामग्री घोषित किया गया है, यानी कि जो COVID-19 है उसे सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी दो सामग्री हैं जिनको की आवश्यक सामग्री घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मास्क एंड सैनिटाइजर, इन दोनों चीज़ों को आवश्यक सामग्री घोषित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ये है मास्क और ये है सैनिटाइजर, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट हो जाएगा। कर्नाटका ने COVID-19 के प्रसार को यानी कि इसको फैलने से रोकने के लिए क्या स्टार्ट किया है, तो नमस्ते ओवर हैंडशेक। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, लोग जब हाथ मिलाने की जगह पर हैंडशेक यानी कि अपना नमस्ते करेंगे हाथ जोड़ करके, तो इससे क्या होगा, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये स्कीम किसने लॉन्च किया था, तो कर्नाटक ने लॉन्च किया। जैसा कि आप चित्र में देख सकती हैं एक लेडी हैं वे हाथ जोड़ करके नमस्ते कर रही हैं। और कर्नाटक से याद रखिएगा कि कर्नाटक के CM कौन है फ्रेंड्स, कर्नाटक के CM की बात की जाए येदियुरप्पा जी हैं, BS येदियुरप्पा जी हैं। वहीं वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल वो कौन है, तो याद रखिएगा वजू भाई वाला जी हैं वहाँ के गवर्नर। और फ्रेंड्स कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु है।
बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, WHO की सहयोग से कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस संगठन ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? यानी कि WHO की सहयोग से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सहयोग से, ऐसा कौन सा संगठन है जो मिल करके कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने WHO के साथ मिल करके कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। थोड़ा सा जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। वहीं बात कर ले ऑप्शन नंबर जो बी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में है। और जो बात की WTO की, तो इसका कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में है, इंडिया में मुंबई में। इसी के साथ चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या किस देश में सर्वाधिक हो गई है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इटली में। इटली में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की सबसे अधिक संख्या हो गई है। बात कर लेते हैं इटली की, तो इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की बता ही चुके हैं पेरिस है। चीन की राजधानी बीजिंग और भारत की नई दिल्ली। देख लेते हैं थोड़ा सा इटली के बारे में, जान लेते हैं अच्छे से लोकेशन के साथ। ये देख सकते हैं आप मैप में फ्रेंड्स, अपना इंडिया यहाँ पर शो है, अपना प्यारा भारत। और यहाँ पर जब आप इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन में यूरोप में दिखेगा इटली, यूरोपियन कंट्री है। और जब आप पास करके देखेंगे तो ये यहाँ पर इटली दिखेगा, जो कि मेडिटेरियन सी के ऊपर में स्थित है। इटली की बात की जाए तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कोंटे जी हैं। और करेंसी वहाँ की यूरो है। इसी के साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम इटली में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? S.A. बोबड़े, K.G. बालकृष्णन, S.H. कपाड़िया, P.N. भगवती। तो फ्रेंड्स इनका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। यदि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यह वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।